सब्सक्राइब कीजिए दिनेश कुमार चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, घर बैठे पैसे कमाने की जानकारी सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे PayPal इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के बारे में, जानेंगे कि PayPal के अंदर आप अपना प्रोफाइल कैसे सेटअप कर सकते हैं और पर्पस कोड को कैसे सेव कर सकते हैं, जो कि दोस्तों जरूरी होता है। अगर आप ये सारी प्रोसेस जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों आप जैसे ही PayPal की वेबसाइट पर आएंगे, आप अपने अकाउंट को लॉगिन करिए। हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के दोस्तों हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो जाएगा। जैसे आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, कुछ इस तरह से आपके सामने आपका इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है सेटिंग का मार्का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एड्रेस होगा। अगर आपका एड्रेस ठीक नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर मैनेज ऑल एड्रेस पर क्लिक करके अपने एड्रेस को जो है सेट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जा करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी होगी और यहाँ पर लिखा होगा प्राइमरी। अगर आपकी ईमेल आईडी ठीक नहीं है दोस्तों, या आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का बटन, यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं या फिर इसको जो है ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर दिखाई देगा, जो कि पूरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने फ़ोन नंबर को पहचान सकते हैं। उसके नीचे लिखा होगा दोस्तों मोबाइल प्राइमरी अनकन्फर्म, यानी कि आपका मोबाइल जो है वो अभी अनकन्फर्म है। तो उसके सामने आप देखें बटन है कन्फर्म का, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा और इसने बताया है कि आपको इन्होंने एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज आपको अपने मोबाइल के अंदर देखने को मिलेगा, उसमें जो कोड आया होगा वो कोड आप यहाँ पर फिलअप करिए और उसके बाद जो है वैलिडेट पर क्लिक करके इसको वैलिडेट कर दीजिए। अगर आपको वो कोड नहीं मिला दोस्तों, तो नीचे एक बटन है रीसेट कन्फर्मेशन कोड का, आप दोबारा से भी यहाँ पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल पर जो है कोड मंगा सकते हैं। दोस्तों अभी हमें कोड आ चुका है तो हम यहाँ पर कोड अपना फिलअप करेंगे। दोस्तों कोड हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये मैसेज मिल जाएगा, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर मोबाइल नंबर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रॉस का निशान है, आप यहाँ पर क्लिक करिए और आपका मोबाइल जो है आप कन्फर्म आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल प्राइमरी और यहाँ पर जो है आपका मोबाइल जो है कन्फर्म हो चुका है। दोस्तों अब आप दोस्तों ऊपर जाइए और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आप अपना फोटो लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसके सामने आप देखें एडिट का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने पॉपअप खुलेगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फिक्स माइनर टाइपो, अपडेट योर नेम, चेंज योर लीगल नेम, यानी कि अगर आप कुछ इनमें से चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इसको जो है यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम कुछ चेंजेस नहीं करना चाहते, लेकिन आप थोड़ा नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक बटन और मिलेगा आपको पर्पज कोड का, और यहाँ पर आप देखें एक बटन है एडिट का, इसके सामने आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि जरूरी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर लिखा है ऐड पर्पस कोड, अभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर्पस कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पर्पस जो है सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग, आप कुछ भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो, और उसके बाद यहाँ पर सिंपली सेव पर क्लिक करिए। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपका ये पर्पस कोड जो है सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा कि आपका पर्पस कोड जो है वो सेव हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप यहाँ पर देखें गो टू माई अकाउंट ओवरव्यू, यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप अपने अकाउंट के अंदर जो है पहुँच जाएंगे। अब दोस्तों आप अपने अकाउंट के अंदर बैक आ चुके हैं, यानी कि आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं और अपना पर्पस कोड जो है वो सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो के दौरान इससे रिलेटिव और भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे कि कैसे आपको अपना बैंक वेरीफाइड कराना है, कैसे आपको अपना कार्ड लिंक करना है, कैसे पेमेंट सेंड और रिसीव करनी है, और सारी प्रोसेस हम आने वाले वीडियो के दौरान आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते रहेंगे। अगर आपके इससे रिलेटिव कुछ और क्वेश्चन, क्वेरीज या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उससे रिलेटिव भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऑनलाइन में अर्निंग से रिलेटिव जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते हैं
ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से रिलेटिव जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में मिलती रहे और आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या अपडेट को मिस ना कर पाएं और ऑनलाइन में अर्निंग का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।